नाजरीन करामकम वरक आपका तहदिल से इस्तबाल है आपके पसंदीदा प्रोग्राम मसाइल रमज़ान में नाजरीन हमेशा की तरह आज भी स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे खास मेहमान फजीलतुल जनाब खालिद जमील मक्की साहब अलक वरहल वरकत वालेकाम व शेख मोहतरम आपका तहदिल से इस्तबाल है हमारे प्रोग्राम मसाइल रमज़ान में खैर नाजरीन आइए हमारे प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं शेख मोहतरम से आज का पहले सवाल का जवाब शेख मोहतरम आज का हमारा पहला सवाल आपसे इफ्तार ही के ताल्लुक से है क्योंकि पिछली नशिस्त में हमने इफ्तार के ताल्लुक से कुछ बातें की थी इफ्तार की दावत के ताल्लुक से इफ्तार की पार्टी के ताल्लुक से आज का सवाल मेरा इफ्तार ही के ताल्लुक से है किसी रोज़ेदार को इफ्तार कराने की क्या फ़जीलत है नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसे इमाम तिरबी ने और दीगर मुहदसन ने भी इसे रिवायत किया है आपसे फ़रमाते हैं मन फरा सामन का न लहु मिसलो अजरी लाजन खुसो मिन अजरी साम शै जो आदमी किसी को रोज़ा इफ़ार कराता है उसके लिए उतना ही अज्र है जितना कि तार कराने वाले को रोजेदार के अदर से कुछ भी कम नहीं होता यानी जो कराता कर है उसे तो सवाब मिलता है कुछ लोग ऐसा समझ लेते हैं कि मैं अगर किसी के यहाँ इफ़ार करने जाऊँगा तो हो सकता है कि उसके इफ़ार कराने की वजह से मेरा अजर कम हो जाए तो अल्लाह व्लम फ़रमाते हैं कि ला सीन अजवा में शैआ यानी रोज़ेदार के अजर से कुछ भी कम होने वाला नहीं तो जो आदमी किसी को रोज़ा इफ्तार कराता है तो उसे अल्लाह तबारा बड़ा अजर देता है शेख महतरम यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि अगर कोई गैर मुस्लिम किसी को इफ्तार करवाए तो क्या उसको भी उसका अजर मिलेगा देखिए ये अजर का मामला बड़ा अजीब है जी। और ये सिर्फ़ और सिर्फ ये मोमिन के साथ ख़ास है क्योंकि अजर और सवाब ये ईमान पर डिपेंड करता है यानी ईमान से मुतल है जो आदमी साहिब ईमान नहीं है उनके अमाल का अल्लाह तबारा के यहाँ कोई मामला नहीं इसीलिए अल्लाह तबारा तो क़ुरान मजीद के अंदर इशाद फरमाते हैं वल्लीन कफ़रू आमाल हम का शराबियतें यह सब हतम शै वजल्ला हिसाब व्ल्ला सर उब जिन लोगों ने कुफ़्र किया उनके आमाल की मिसाल शराब की सी है वो तो समझता है कि शायद मुझे अजर मिलेगा उसकी मिसाल दी गई है शराब से। शराब जानते हैं झिलझिलाती धूप में गर्मी के मौसम में अभी आप सहारा में नज़र डालते होंगे तो ऐसा लगता है कि ठाटे मारता हुआ समंदर बह रहा है जी प्यासा ये समझता है कि वो पानी है और जब उसके करीब पहुंचता है तो उसे कुछ नहीं मिलता तो ये अज्र का मामला सिर्फ़ और सिर्फ़ मोमिन के साथ अगर मोमिन किसी को इफ्तार कराएगा तो उसे अल्लाह ये अपने फजल से उसे नवाजने वाला जो कुफ़र और शर्क में मुबला हैं, उन्हें ये ये सवाब मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वो ईमान से आरी हैं, ईमान उनके पास नहीं है जजाक खैर बबरकल नाजरीन क़िराम, देखा आपने शेख महतरम ने हमें बताया किसी भी नेक अमल करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है आदमी का इंसान का शख्स का ईमान वाला होना अगर वह ईमान वाला नहीं है कुफर की हालत में है और अगर कोई वो ऐसा दीनी काम करता है तो उसके लिए कोई अजर नहीं तो आइए नाजरीन शेख मोहतरम की तरफ चलते हैं और जानते हैं हमारे अगले सवाल का जवाब शेख मोहतरम मैं जानना चाहूँगा क्या ऐसे शख्स के यहाँ पर जाकर इफ्तारी करना जायज़ होगा हमारे लिए कि जिसके बारे में हमें शक हो जिसके बारे में हमें शुबा हो कि उसकी कमाई किसी हराम जरिए से आ रही है इबादात के लिए इससे पहले भी बात आ चुकी है कि इंसान का जिस पाक होना चाहिए जी उसका कपड़ा पाक होना चाहिए जी ये उसके शराइ हैं जो है अब अगर हमें किसी आदमी के बारे में ये मालूम हो या उसके रिस्क के ताल्लुक से उसके ज़रिए आमदनी के बारे में शुभा हो और ऐसे आदमी ने हमें दावत ली है तो अवला तो उस शुबहे को हमें ऐल कर लेना चाहिए किसी के ऊपर अगर हम हुक्म लगाएं तो ये एक बेजा बात हो गई सबसे पहले उसे कन्फर्म कर लेना चाहिए मालूम कर लेना चाहिए या अपने को उससे मुतमाइन कर लेना चाहिए कि नहीं हाँ इसके यहाँ ये चीज़ अगर हमें ये मालूम हो जाता है कि फ़लाँ आदमी की कमाई में कुछ हराम की आमेजिश है जी या मुकम्मल हराम है अगर मुकम्मल हराम का हमें पता चलता है तो हमारे लिए जायज़ नहीं है कि वहाँ जाएँ अलबत्त ये है कि अगर हमें कुछ उसमें दूसरे और ज़रा से उसके यहाँ जो कमाई आ रही है उसमें कुछ शुभ या मिलावट है तो उसके यहाँ इफ्तारी करने में कोई हरज की बात नहीं है लेकिन बचना हमें उससे इजतनाब करना और किसी तरह से एहतियात करना ये ज़्यादा अवला है अल्लाह के हदीस है कि फमता तक शुबहत फ़कद इस तब्र आल दी नहीं वर्दी यानी ये शुभा है इस वजह से थोड़ा सा उसमें एहतियात करना चाहिए अलबतः अगर हराम मुकम्मल तौर पर है तो ऐसी दावत में हमें शिरकत नहीं करनी चाहिए और एक सलमान भाई की वजह से हमें उसे तल्क़ भी करना चाहिए और अच्छे अंदाज में उसको समझाना चाहिए कि भाई देखिए आपके जो ज़रिए आमदनी है ये दुरुस्त नहीं है आप इससे बचने की आप कोशिश करें जजाक ख़ैर नाजरीन क्राम देखा आपने शेख मोहतरम ने बड़ी ही अच्छी बात बताई हमें शुभे की बुनियाद पर किसी की भी तल्लुक़ से फैसला नहीं करना चाहिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें उस शुभे को क्लियर कर लेना चाहिए ताकि ऐसा ना हो कि हम अपने किसी भाई के तल्लुक़ से बदगुमानी में रहें और वह उससे आ रही हो नाजरीन कराम आइए जानते हैं शेख मोहतरम से हमारे अगले सवाल का जवाब शैख मोहतरम मेरा अगला सवाल ये है कि है कोई पड़ोसी हमारा जो गैर मुस्लिम है और वो हमारी इस खुशी में इस इबादत में शरीक होना चाहता है और हमें इफ्तार की दावत देता है तो क्या हमें उसकी दावत को कबूल करना चाहिए इस सिलसिले में बात अभी आपके सामने रखी गई है अगर उसकी तरफ से कोई चीज़ बतौर हदिया या इफ्तार के दावत ही को ले लीजिए अगर तो वो देता है तो और उसका कोई दूसरा मकसद नहीं है सिवाय इसका कि हमारा पड़ोसी है जी बदर मैं बस पड़ोसी के हकूक के ताल्लुक से जानना चाहता हूँ हमें पता है कि उसकी कमाई हराम नहीं है या उसका कोई जतीि मुफाद नहीं है या उसका कोई समाजी मुफाद नहीं है हमें दावत देने में सिर्फ वो एक पड़ोसी है और पड़ोसी होने के नाते हमें दावत दे रहा है तो क्या हमें उसकी दावत कबूल करनी चाहिए इन शाला उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है और अल्लाह के नबी वसल्लम जी ने यहूदियों के यहाँ भी दावत आपने खाई है जी जी तो इस सिलसिले में कोई हर्ज की बात नहीं है अगर कोई उसका कोई दाती मफाद वाबस्ता नहीं है उस चीज़ से तो कोई हर्ज की बात नहीं शेख महतरम इफ़ारी के ताल्लुक से एक और सवाल मेरे जहन में आता है इफ्तार का वक्त हो चुका है और अजान नहीं हुई तो ऐसे वक्त में हमें क्या करना चाहिए रोज़ा खोल लेना चाहिए या अज़ान का इंतज़ार करना चाहिए इफ्तार के लिए वक्त का होना ज़रूरी है अदान एक अलामत है कि सूरज गरूब हो जाने के बाद अजान दी जाती है मगरिब की नमाज के लिए और वही वक्त होता है इफ्तार का तो इफ्तार का जो वक्त है वो सूरज का गरूब होना है अब फ़र्द कर लें अगर कहीं किसी जगह अदान ना हो और आदमी वहाँ पर रोज़े से हो और अदान की आवाज़ ना आए तो क्या करे नहीं वक्त अगर हो गया है तो उसे इफ्तार कर लेनी चाहिए और उसे अजान का इंतज़ार नहीं करना चाहिए मुमकिन है कि अजान देने वाले से भी गलती हो सकती है, इसीलिए उसकी अपनी ज़िम्मेदारी है कि पहले वो मुतद हो जाए इस चीज़ से कि यही सूरज गरूब हो गया है इफ्तार का वक्त हो गया है अदान हो या अजान ना हो या अजान तखिर से हो नाजरीन क्राम इफार के लिए वक्त का हो जाना काफ़ी है अजान का इंतज़ार ना करें अगर वक्त हो चुका है और अजान नहीं हुई है तो आप रोज़ा खोल लें क्योंकि अल्लाह के रसूल वसल्लम ख़ुद इफ्तार में जल्दी और शहरी में तख़िर किया करते थे और हमें भी इसकी हिदायत दी है शेख मोहतरम से हमारा आगरा सवाल हम पूछेंगे लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ है एक मुख्तर से वक्फ़े का वक्फ़े के बाद इन जल्द हाजिर होंगे आप कहीं जाइएगा मत असल वरहल वबरकू अल्लाम वरमि वरक नाजरीन ग्राम वादे के मुताबिक वक्फ़े के बाद फिर हाजिर हूँ प्रोग्राम मसायले रमज़ान लेकर नाजरीन वक्फ़े से पहले शेख मोहतरम से हमारी जो बात चल रही थी आइए उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं शेख मोहतरम मेरा अगला सवाल आपसे इफ्तारी के ताल्लुक से है मान लीजिए कोई शख्स यूपी में है और उसने यूपी के वक्त के हिसाब से रोज़ा रखा है अब उसे मुंबई जाना है और वह मुंबई के लिए निकल चुका है मुंबई जब वो पहुँचा तो उसके अंदाज़े के हिसाब से यूपी में इफ्तार का वक्त हो चुका है लेकिन मुंबई में अभी कुछ वक्त बाकी है तो उस शख़्स को क्या करना चाहिए क्या रोज़ा खोल लेना चाहिए या मुंबई के वक्त के हिसाब से रोज़ा खोलना चाहिए देखिए अभी जो सवाल आपने किया था जी ये वक्त से मुतन है जी कि इफ्तार का वक्त सूरज गरूब हो जाने पर रोज़ा इफ्तार किया जाना चाहिए जी जी बिल्कुल अल्लाह तबारा तआला ने इसी कुरान मजीद के नरशमा तुम आतीम मुसयामा लैल वक्त महदत कर दिया गया अब आदमी अगर किसी ऐसी जगह से चलता है जहाँ पर इफ्तारी पहले थी ऐसी जगह गया जहाँ इफ्तारी कुछ तख़िर से है तो वो जहाँ जा रहा है वहाँ के वक्त का वो मुक़ल्लफ़ है जी जी ऐसी ही अगर कोई आदमी इसके बरखिलाफ़ अगर जाता है जहाँ पर इफ्तारी पहले हो जाती है और जिस शहर में वो था वहाँ ताखीर से होती है तो उसे वहाँ के वक्त के मुताबिक इफ्तार करना चाहिए इसीलिए रोज़े की जो तकमील है जी। वो सूरज ग्ररूब होने के तक है हाँ जब तक सूरज गरूब नहीं हो जाता उस वक्त तक ये मुमकिन है ये घंटों ज़्यादा हो सकते हैं दो घंटे ज़्यादा हो सकते हैं आदमी उसी चीज़ का मुकल्लफ है और उसी एतबार से उसे इफ्तार करना चाहिए ठीक अगर कोई आदमी अपने शहर के मुताबिक कर लेगा और सूरज भी गरूब नहीं हुआ है तो उसका रोज़ा फासद हो जाएगा और वो गुनहगार होगा जी जक खैर नाजरे ने किराम देखा आपने शेख मोहतरम ने हमें बताया रोज़ा खोलने के लिए शर्त है सूरज का गरूब होना आप चाहे किसी भी शहर में हों या किसी शहर में जा रहे हों जब तक सूरज ग्रूब नहीं होगा आप रोज़ा नहीं खोल सकते मेरे ख़्याल से इफ्तार के ताल्लुक से सारे मसाइल हमने शेख मोहतरम से जान लिए उम्मीद के नाजर आपने भी इन सारे मसाइल को बगौर सुना होगा और अपनी ज़िंदगी में नाफिस करने की कोशिश करेंगे नाजरीन क्राम रोज़ों के ताल्लुक से रमज़ान के ताल्लुक से एक बहुत बड़ा अहम मसला तहारत का है पाकि का है पाकि के तल्ल से कुछ मसाइल हैं जिन्हें हम शेख मोहतरम से जानेंगे आइए जानते हैं हमारा सबसे पहला सवाल तहारत के ताल्लुक से शेख महतरम तहारत के ताल्लुक से सबसे पहला सवाल मेरा ये है अगर किसी शख्स को अहताम हो जाए रात में और वो सहरी के लिए उठे तो ऐसी हालत में उसे क्या करना चाहिए पहले उसे पाकि हासिल करनी चाहिए या सहरी करनी चाहिए अगर कोई आदमी रात में उसे ये आरदा लाइक हो गया यानी वो महतलम हो गया अपना शहरी मुकम्मल करे अगर वक्त है तो वो गसल कर ले अगर वक्त मुवसा नहीं है बिल्कुल शहरी के वक्त ही वो बेदार हुआ तो शहरी मुकम्मल करे शहरी करने के बाद फिर वो गसल कर ले उसमें तखीर भी हो सकती है अल्लाह के नबी वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए उसवा नमूना है कि आपके साथ भी ऐसा रहा है कि आप देर तक हालत जुम्बी में रहते थे जी। तो वो यानी गोया कि पाकि ये रोज़े के लिए ये शर्त नहीं है जी तो अगर कोई आदमी के साथ यारदा अगर लाइक हो गया वो एहतराम से हो गया तो वो फजर की नमाज से पहले वो गसल कर ले लेकिन बग़ैर तहारत के वो नमाज़ अदा नहीं करेगा रोज़ा उसका दुरुस्त होगा यानी कि शायद रोज़े के लिए पाकि शर्त नहीं है जी अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए तो उसे पहले सहरी कर लेना चाहिए अगर वक्त नहीं है लेकिन एहतियातन अगर वक्त है तो पहले नहा ही ले हाँ। ज़्यादा अफजल है जी नाजरिन कराम शेख मोहतरम ने हमें बताया कि रोज़े के लिए पाकि शर्त नहीं है लेकिन अगर किसी के साथ ऐसा मसला पेश आ जाए और वक्त है गसल करने का तो पहले गसल कर ले फिर उसके बाद सहरी करे अगर वक्त नहीं है तो पहले सहरी कर ले उसके बाद फजर की नमाज से पहले गसल कर ले और नमाज अदा करे शेख मोहतरम मेरा अगला सवाल यह है कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी को रोज़े की हालत में बोसा ले ले तो क्या उसका रोज़ा उससे टूट जाएगा या उसका बोसा लेना जायज़ है रोज़े की हालत में बोसो कनार जी अपनी बीवी से ये जायज़ है और माँ आयशा सद्दीक़ा रजी अल्लाह ताली फरमाती हैं कि अल्लाह के नबीम हमें बोसा लेते थे जी और बोसो कनार करते थे इस हाल में कि आप रोज़े से रहते थे अलबत् आप की सिलसिले में एक हिदायत है कि मैं अपने नफ्स पर दर्जा काबू रखने वाला हूँ जी और आम आदमी मुमकिन है कि अगर वो अपनी बीवी से करीब होता है वो बसोकनार करता है तो मुमकिन है इंजाल हो जाए अगर ये इंजाल हो जाएगा तो उसका रोज़ा फासिद हो जाएगा जी अगर इंसान को कुदरत है तो इन कोई हरज की बात नहीं है लेकिन उसे ये जान लेना चाहिए कि अगर इंजाल का मामला आ गया तो फिर रोज़ा फासद हो जाएगा इसलिए बचना और एहतियात करना ज़्यादा अवला और अफज़ल है जैर शेख मोहतरम इजाल से एक बात मेरे जहन में आई है मज़ी अगर किसी रोज़ेदार की खारिज हो जाती है तो क्या उस पर भी उसका रोज़ा फासद हो जाता है नहीं मजी से रोज़ा फासिद नहीं होता आदमी को चाहिए कि ऐसे तमाम चीज़ों से वो इज्तनाब करे जो उसको इस कैफियत में लाने वाली है जजाक खैर शेख मोहतरम उस शख्स के लिए क्या वहीद है जो रोज़े की हालत में होते हुए अपने बीवी से हम बिस्तरी कर ले उसका रोज़ा फासिद हो जाएगा जी उसके ऊपर कफ़ारा लादिम होगा जी शायद कफ़ारे की बात आ चुकी थी जी बिल्कुल एक गर्दन आज़ाद करेगा मुसलसल दो महीने रोज़े रखे या फिर साठ मस्किन को खाना खिलाए जाए तो ये उसके कफारे हैं जो अब अगर किसी के पास इन तीनों की ताकत नहीं है जी वो हद दर्जा बेचारा मजबूर और मकबूर आदमी है तो इस्लाम ने उससे माफ़ भी कर दिया है लेकिन ये तरतीबाद गर्दन आज़ाद करना पैदर पे पै दो महीने तो रोज़े रखना और इसी तरीके से साठ मिसकीनों का खाना खिलाना शेख मोहरम अगर शोहर ने बीवी के साथ ज़बरदस्ती की हो देखिए यह कफारा शोहर अदा करेगा जी क्योंकि रबी मोहतरम की हदीस है कि इन अल्लाह तजा उम्मती, अलखता नसीान व मस्तुक रिहु अल जी अल्लाह तआला ने भूल और चूक को माफ़ कर दिया है लागनी फ़रमाते हैं कि अल्लाह तआला ने मेरी उम्मत से खता और निस्यान को माफ कर दिया है और या वो जिस चीज़ के ऊपर मजबूर कर दिए जाएँ अब अगर शौहर ने बीवी को मजबूर कर दिया है तो अब वो बीवी बेचारी वो माफू है उसकी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं होगी बल्कि कफारा शौहर को अदा करना पड़ेगा जी जजा खैर भैया नाजरीन कराम शेख मोहतरम ने हमें बताया नाजरीन हमें ऐसा कोई अमल नहीं करना चाहिए जिससे हमारा रोज़ा फासिद हो जाए और हमें इतने बड़े बड़े कफारे अदा करने पड़े नाजरीन देखा आपने एक रोज़े की कज़ा साठ मिसकिन को खाना खिलाना या एक ग़ुलाम आज़ाद करना या एक रोज़े के बदले साठ रोज़े रखने पड़ सकते हैं सोचिए आइए नाजरीन शेख मोहतरम से जानते हैं हमारे अगले सवाल का जवाब शेख मोहतरम बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इसमना बिलियत के जरिए मनी को फरूज कर लेते हैं तो ऐसे लोगों के लिए क्या वईद है रोज़े की हालत में या रोज़े के अलावा भी अवला तो रोज़े की हालत में अगर किसी ने ऐसा अमल किया है तो उसका रोज़ा फासीद हो जाएगा जी और इस्तेमा बिलियत ये बहुत ही बुरी बीमारी है ये अल्लाह तबारक तआला ने मोमिनों की सिफात बयान की हैं उनमें ज़िक्र किया है वलिन हम लफरूज हिम इल्ला अला अजवाज हम मा मलकत ईमान हम फिलहर मलोमिन मोमिनों की सिफात में है कि अपने शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं और अपनी बीवियों के साथ हम बिस्तर होते हैं किसी गैर की तरफ रजू नहीं करते वो लोग लो मलामत ज़्यादा नहीं है और जो लोग इसके अलावा जी। अमल करते हैं यानी अपने शर्मगाह को नाजायज़ तरीके से इस्तेमाल करते हैं वो लोग मलामती लोग हैं ला लानती लोग हैं तो ये जो फ़ेल है ये फ़ेल बहुत ही कबी फेल है इससे आदमी की इबादत जाय हो जाती है ये बड़ा गुनाह है इससे हमें इश्तना करने की ज़रूरत है और जो लोग भी रोदे की हालत में ऐसा अमल करें वो तो और ज़्यादा बुरा है इससे कई चीज़ें उनकी जो है वो ज़ाय और बर्बाद हो जाती हैं तो इससे बचना ज़रूरी है अगर किसी से ये अमल हो जाए तो उसका क्या कफ़ारा फिर वो उसकी क़़ा करेगा तो उस पर उस, भी वही कफ़ारा कफ़ारा सिर्फ जम के ऊपर है कफ़ारा सिर्फ जम जी हाँ उसमें दूसरे तरीके से खरूश के ऊपर जी कफ़ारा नहीं है अलबत् यह है कि उसकी क़़ा करेगा और अल्लाह तआला से तो इस्तिग़फ़ार करे अपनी इस गलती पर और अल्लाह तो से जजाक खैर शेख मोहतरम बहुत बहुत शुक्रिया आपका वाहक़ुम नाजरी ने ग्राम सुना आपने शेख मोहतरम से इन सारे मसाइल का हल अब वक्त हुआ है आपसे विदा लेने का इन शाला अगली नशस्त में फिर हाजिर होंगे कुछ और नए मसाइल के साथ जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल देखते रहिए हमारा ये खास प्रोग्राम मसाइल रमज़ान असलकुम वरहल वर्कू